नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के 11 जिलों के किसानों को सरकार देगी मुआवजा। बिहार के स्कूलों में बनेंगे हैप्पीनेस जोन। पटना जू में आज से मुफ्त में एंट्री हुई बंद। बिहार सरकार की 71 योजनाएं हुई पूरी तरह से ऑनलाइन। आज से घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ी दाम हुए लागू। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। फुटबॉल के महाकुंभ के रूप में बिहार सॉकर लीग का होगा आयोजन। क्रिकेट के बाद बिहार के लोग फुटबॉल खेल में सराबोर होते बहुत जल्द ही दिखने वाले हैं, क्योंकि अगले महीने की 14 तारीख को फुटबॉल का महाकुंभ का आयोजन अपने राज्य में होने वाला है। इस महाकुंभ का आयोजन बिहार सॉकर लीग के रूप में होगा। यह लीग 14 नवंबर से शुरू होगी और 45 दिनों तक चलेगी। इस लीग में कुल 16 टीमें हिस्सा लेने वाली है और इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। बताते चले कि हर टीम में 30 खिलाड़ी रखे जा सकते हैं, जिसमें 3 विदेशी मूल के खिलाड़ी भी रखे जा सकेंगे। बताते चले कि खिलाड़ियों को नामांकन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर की दी गई है। इस लीग का फाइनल मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा और विजेता को 1,00,000 का नगद इनाम भी मिलेगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा पंचायतों में खुलेंगे विशेष अध्ययन केंद्र। बिहार के सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के साथ ही 8,000 से अधिक पंचायतों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पढ़ने लिखने के केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एक्ट में संशोधन की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अधिनियम में बदलाव करके राज्य के अंगीभूत कॉलेज में खास करके विशेष अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। यह काम यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन के बाद ही पूरा होगा। इसलिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखकर संशोधन करने की सिफारिश की है। इन विशेष अध्ययन केंद्रों में डिग्री की पढ़ाई के लिए विशेषज्ञ भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही पंचायतों में भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। बिहार के स्कूलों में बनेंगे हैप्पीनेस जोन। बिहार के स्कूलों में अब बच्चे रो रो कर नहीं बल्कि हंसी खुशी के साथ स्कूल जाएंगे। स्कूलों में बच्चे अपने मन की बात को रख सकेंगे और चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनाया जाएगा। दरअसल यह सब बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से किया जाने वाला है, जिसके तहत बिहार के सभी स्कूलों में लेट्स टॉक और हैप्पीनेस जोन बनेंगे। इसमें बच्चे खुलकर अपनी बात और भावनाओं को रख सकेंगे। यह फैसला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किया गया है, जिसका पालन सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों में भी सख्ती के साथ किया जाएगा। राज्य शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी DEO और DPO को निर्देश भी दे दिया गया है। निर्देश के मुताबिक 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। बिहार सरकार की 71 योजनाएं हुई पूरी तरह से ऑनलाइन। बिहार की अब छोटी बड़ी सभी योजनाओं की सारी जानकारी आपको ऑनलाइन उपलब्ध होने वाली है, क्योंकि सरकार की सभी 71 योजनाएं पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो गई है। इसके तहत इन योजनाओं से जुड़े सभी लाभुकों की पूरी जानकारी और उनके वर्तमान स्थिति का पूरा रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सभी लाभुकों का आधार कार्ड और पैन नंबर भी ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। आपको बताते चले कि ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें करीब 49 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें सीधे DBT के माध्यम से प्रत्येक महीने या फिर वर्ष में एक बार पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये सभी 71 योजनाएं जल्द ही उमंग ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र सरकार अगले साल 26 जनवरी के मौके पर इसकी विधिवत शुरुआत करेगी। पटना जू में आज से मुफ्त में एंट्री हुई बंद। राज्य में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर 8 अक्टूबर तक बिना टिकट के चिड़ियाघर की सैर करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन आज सुबह से ही यह फ्री एंट्री बंद है। बीते दिन इसे अचानक से बंद कर दिया गया। अब लोगों को टिकट कटवा कर ही चिड़ियाघर जाने को मिलेगा। बताते चले कि मुफ्त में प्रवेश की खबर सुनकर ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें जू में आने के लिए लग गई थी। इससे बेली रोड पूरी तरह से जाम हो गया था। बीते दिन मंगलवार की दोपहर तक 40,000 दर्शक फ्री एंट्री के नाम पर पहुंच गए थे, जिसके बाद को भी परेशानी होने लगी, जिसके बाद ही चिड़ियाघर प्रशासन ने फ्री एंट्री को बंद रखने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ मुफ्त में एंट्री बंद करने से भीड़ उग्र भी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे काबू कर लिया। आज से घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दाम हो गए लागू। बढ़ती महंगाई के बीच आज से घरेलू गैस सिलेंडर को भी अधिक कीमत पर खरीदना होगा। पेट्रोलियम कंपनी ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि आज दिन से ही लागू हो गई है। इसके तहत राज्य के सभी लोगों को अब पहले से 15 रुपए अधिक कीमत चुकाकर LPG सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884.50 रुपए से बढ़कर 899.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। वहीं पटना में अब LPG सिलेंडर के लिए 1,000 में से केवल 2 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। बता दें कि अक्टूबर महीने के पहले दिन ही सरकार ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के रेट 43 रुपए बढ़ाए थे।
बिहार खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के दो ठिकानों पर हुई छापेमारी। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के एक अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद आज सुबह ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार के दो ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंच गई। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बालू के अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने के बाद उन पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आज उनके ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम की ओर से पटना के आर्य कुमार रोड स्थित उनके आवास और मेडिकल शॉप पर छापेमारी की गई। इसके अलावा खेतान मार्केट में उनकी दुकान खुशी लहंगा स्टोर में भी छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान बिहार एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। बिहार में 30 से नीचे हो गए कोरोना के कुल एक्टिव मामले। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं और कोरोना के कुल एक्टिव केस 30 से नीचे भी चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,12,352 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में केवल एक नए संक्रमित की पहचान हुई है। इसके तहत खगड़िया जिले से केवल एक मरीज की पहचान हुई है, तो वहीं एक अन्य संक्रमित मरीज दूसरे राज्य का बताया गया है। इस दौरान 4 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने का संकेत देने लगा है। आने वाले 24 घंटे में देश के पश्चिमी भाग से मानसून लौटने लगेगा, जिसके साथ ही अक्टूबर महीने के बीच तक बिहार में भी मानसून कमजोर पड़ सकता है। इस बीच राज्य में लगभग एक सप्ताह से जारी बारिश का सिलसिला भी अब थमने लगा है, साथ ही बारिश कम होने के कारण राज्य में उमस और गर्मी थोड़ी बड़ी है। हालांकि ऐसी स्थिति मुश्किल से एक या दो हफ्ते तक ही रहने की उम्मीद है, इसके बाद ठंड का असर राज्य में दिखने लगेगा। वहीं इस बारे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना का कहना है कि बिहार में मानसून की बारिश इस बार अच्छी हुई है, इसका बढ़िया असर खरीफ की फसल पर देखने को मिलेगा। बिहार के 11 जिलों के किसानों को सरकार देगी मुआवजा। राज्य में बाढ़ और भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोगों को सरकार राहत सहायता देने वाली है। बीते दिन मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रभावित 11 जिलों के डीएम के साथ देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कई निर्देश दिए और यह भी हिदायत दी कि 3 दिनों के अंदर वे अपने अपने जिलों में अधिक बारिश से हुए फसल क्षति का आकलन कर लें और इसकी रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही यह भी कहा गया कि अत्यधिक जल जमाव से जिन किसानों ने बुआई नहीं की उसका भी आकलन किया जाए। बताते चले कि इस लिस्ट में नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले शामिल हैं, जहां अतिवृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे किसानों को जल्द ही क्षति का भुगतान किया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए पुराने ट्रांसफार्मरों को किया जा रहा है मेंटेन। आगामी दुर्गा पूजा में बिजली का लोड बढ़ने के कारण पुराने ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी ना आ जाए, इसके लिए ऐसे ट्रांसफार्मरों को बिजली विभाग मेंटेनेंस का काम कर रही है। इसके तहत केबल बदलने का काम भी किया जा रहा है और पुराने केबल की जगह नए केबल लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर बिजली विभाग के द्वारा सभी जिले में इनकी खराबी की पड़ताल की जा रही है। तो वहीं राजधानी पटना में भी दिन में 11 से 12 बजे तक आज आर्य समाज रोड, रंजन पथ, सर्वोदय नगर, जनक पूरी गोला रोड, सैनिक कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और पूर्वी गोला रोड के साथ ही 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले में 2 घंटे तक बिजली बाधित रही। हालांकि बिजली विभाग ने मोबाइल ट्रांसफार्मरों को भी पहले से तैयार कर रखा था, जिससे जहां भी बिजली की समस्या ज्यादा हुई वहां ये घूमने वाले ट्रांसफार्मर के जरिए बिजली सुविधा दी गई। पप्पू यादव ने बिहार कांग्रेस को समर्थन देने का किया ऐलान। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपहरण मामले में बाइज्जत जेल से रिहा होने के बाद बिहार की सियासत में लौट गए हैं और सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। इस बीच उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कांग्रेस को 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस को पूरा सपोर्ट देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने राजद और एनडीए अलायंस पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधन की तरफ से माफिया को टिकट दे दिया गया है, कांग्रेस को बहुरूपियों से बचना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के ऑफर देने की बात पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस राजा है और मैं रंक हूँ। बताते चले कि पप्पू यादव कोर कमेटी की बैठक करके राहुल गांधी से इस बारे में बात करेंगे, जिससे यह भी बातें कही जा रही है कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। चिराग से मुख्यमंत्री की मुलाकात ना होने को लेकर पशुपति पारस ने बताई वजह। हाल ही में राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात करके उन्हें 8 अक्टूबर को स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर न्यौता दिया, जिसे सीएम ने स्वीकार भी कर लिया। तो वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि चिराग से उन्होंने मुलाकात
भी नहीं की और यह मुलाकात इसलिए नहीं हुई क्योंकि चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला, आरोप और जेल भेजने तक की बात करते हैं तो कभी उन्हें कुर्सी से हटाने की बात करते हैं। ऐसे माहौल में नीतीश कुमार ने चिराग से मिलना पसंद नहीं किया होगा, लेकिन वे सभी से आसानी। फेमस सीरियल रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी का हुआ निधन। दूरदर्शन के सबसे फेमस सीरियल रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीते रात ही उन्हें हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उनका निधन हो गया। बताते चले कि अरविंद त्रिवेदी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और काफी दिनों से वे बेड रेस्ट पर थे। उन्होंने मुंबई के कांदिवले स्थित अपने घर में अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि रामायण के बाद भी विक्रम और बेताल के अलावे कई और हिंदी सीरियल्स और फिल्मों में अरविंद का शानदार अभिनय देखने को मिला। रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक सीरियल रामायण में उनके रावण के किरदार ने उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता दिलाई और आज भी लोग उनको इसी किरदार से याद करते हैं। ईशान किशन के फॉर्म में लौटने के बाद परिवार ने कही यह बात। बीते दिन मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन की शानदार पारी देखने के बाद उनके फैंस के साथ ही परिवार के लोग भी खुश हैं। इस पर ईशान के बड़े भाई डॉक्टर राज किशन ने बताया कि परिवार को ईशान की इसी पारी का इंतजार था। ईशान ने मंगलवार को IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में कैप्टन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए 25 गेंदों में ही अर्धशतक पारी खेली। ईशान की इस पारी से मुंबई इंडियंस ने इस बेहद नजदीकी मुकाबले वाले मैच को एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से जीत लिया। बताते चले कि मुंबई के सामने मात्र 91 रनों का टारगेट था जिसे टीम ने 8.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ईशान ने इस मैच में 25 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए थे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना संक्रमण का ख्याल रखते हुए इस बार बिहार में दुर्गा पूजा मेले पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।